वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करेंगे जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी, नाइन्थ क्लास का। तो आज इसके हम करेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, हु सेड दीज वर्ड्स, यानी कि ये शब्द किसने कहे, क्या बोला। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी कि लोकतंत्र एक लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन है, ठीक है। तो इसके आपने क्या, इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन यही पूछा गया कि ये जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, यानी कि लोकतंत्र की, किसने दी है। आंसर है अब्राहम लिंकन, ABRAHAM, अब्राहम लिंकन, LINCOLN, L इसमें साइलेंट रहेगा, लिंकन। सेकंड, डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड्स, यानी कि लोकतंत्र शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से आया है। लोकतंत्र शब्द है वो ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है। आंसर क्या है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द है डेमोक्रेटी, DEMOKRATIA, डेमोक्रेसिया, KRATIA, डेमोक्रेसिया से लिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द रूलिंग पार्टी ऑफ सीरिया, नेम द रूलिंग पार्टी ऑफ सीरिया, यानी कि सीरिया में किस पार्टी का शासन है, सीरिया में किस पार्टी का शासन है। आंसर है द बाथ पार्टी, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ, विच टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव अलाउड द रूलिंग पार्टी टू कंटेस्ट elections, which two countries of the world have allowed the ruling parties to contest election, यानी कि इसमें यह पूछा गया कि संसार के किन दो देशों में रूलिंग पार्टी अलाउ करती है इलेक्शन लड़ने के लिए, यानी कि रूलिंग पार्टी वहाँ पे इलेक्शन लड़ती है, यानी कि जो शासन में, यानी कि जो सत्ता में है जो दल, वही शासन, वो इलेक्शन चुनाव लड़ता है। आंसर है चाइना व मैक्सिको, यही दो कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे रूलिंग पार्टी ही चुनाव करती है, कहने का मतलब यहाँ पे यही कह रहा है, यही करवाती है और यही लड़ती है। नेम द कंट्री वेयर वुमेन आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन, नेम द कंट्री वेयर वुमेन आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन, यानी कि उस कंट्री का, यानी कि उस देश का नाम बताइए जहां पे महिलाओं को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है।
उस राष्ट्र का या उस देश का नाम बताइए जहाँ पे महिलाओं को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। आंसर है सऊदी अरेबिया, SAUDI, सऊदी अरेबिया, ARABIA, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ऐसे कंट्री है जहाँ पे विमेन को अलाउ ही नहीं करते इलेक्शन लड़ने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नेम दी एनी वन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर इज नो डेमोक्रेसी। नेम दी एनी वन ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर इज नो डेमोक्रेसी, यानी कि संसार के किसी ऐसे देश का नाम बताइए जहां पे लोकतंत्र नहीं है, जहां पे लोकतंत्र है ही नहीं। ठीक है, आंसर लिख लो जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे, ZIMBABWE, जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू लाइक टू हैव इन योर कंट्री, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू लाइक टू हैव इन योर कंट्री, यानी कि आप अपने देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते हो या किस प्रकार की सरकार आप चाहते हो। द राइट आंसर इज ऑफकोर्स डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ही चाहते हैं, हर कोई अपने देश में लोकतंत्र हो। नेम द रूलर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नेम द रूलर हु हैड एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, उस शासक का नाम बताइए जिसने जर्मनी में डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही इस्टैब्लिश कर दी, यानी कि स्थापित कर दी। उस शासक का नाम बताइए जिसने जर्मनी में तानाशाही की स्थापना की। नेम द रूलर हु हैड एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, जिसने जर्मनी में तानाशाही स्थापित की। आंसर है अडोल्फ हिटलर, ADOLF, अडोल्फ हिटलर, HITLER, हिटलर। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट कौन है। हाँ जी, द राइट आंसर इज रॉबर्ट मुगाबे, ROBERT, रॉबर्ट मुगाबे, MEGABE, मुगाबे। क्वेश्चन नंबर 10, When did Zimbabwe achieve independence? हिंदी में जिम्बाब्वे आजाद कब हुआ, जिम्बाब्वे को आजादी कब मिली, ऐसे भी लिख सकते हो, जिम्बाब्वे देश को आजादी कब मिली। द राइट आंसर इज 1980 में मिली इसको आजादी। ठीक है, विच पार्टी इज रूलिंग ओवर जिम्बाब्वे सिंस इंडिपेंडेंस, विच पार्टी इज रूलिंग ओवर जिम्बाब्वे सिंस इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद से ही जिम्बाब्वे के अंदर किस पार्टी का शासन है, किस पार्टी का शासन है, विच पार्टी इज रूलिंग ओवर जिम्बाब्वे सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद से जिम्बाब्वे देश के ऊपर किस पार्टी का शासन है। आंसर है ZANU, जानू स्लैश नहीं वो हाइफन है PF, जानू PF नाम की एक पार्टी है, उसी का शासन है जब से जिम्बाब्वे आजाद हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राइट ए ड्रॉबैक ऑफ द इलेक्ट्रल सिस्टम ऑफ फिजी, राइट ए ड्रॉबैक ऑफ द इलेक्ट्रल सिस्टम ऑफ फिजी, यानी कि फिजी कंट्री के न्याय व्यवस्था का कोई, न्याय व्यवस्था की कोई एक खामी लिखिए। राइट ए ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रल सिस्टम ऑफ फिजी, फिजी कंट्री के अंदर वहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में आपको बताया गया है आपके लेसन में, तो उसके अंदर एक खामी बतानी, अपने आप ने भी कुछ लगा होगा। आंसर लिखो, इन फिजी द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द इंडिजिनियस फिजी इज, इन फिजी द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द इंडिजिनियस फिजी इज मोर, इज मोर एज कंपेरिजन टू एन इंडियन फिजियन, एज कंपेयर टू एन इंडियन फिजियन, इंडियन फिजियन। फिजी में, हिंदी में लिखो, फिजी में जो फिजी देश के मूल निवासी है, यानी कि जो वहाँ के शुरुआत से रहने वाले हैं, जो फिजी देश के मूल निवासी है, उनके वोट का मूल्य, उनके वोट का मूल्य भारतीयों, जो भारतीय जो फिजी में रहते हैं उनके वोटों से ज़्यादा है। फिजी के जो मूल निवासी है उनके वोटों का मूल्य भारतीय जो फिजी में रहते हैं उनसे ज़्यादा उनका क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज PRI, PRI क्या है। द राइट आंसर इज, PRI इज द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मैक्सिको, इज द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मैक्सिको, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ये इसकी फुल फॉर्म है। PRI मैक्सिको की एक राज, मैक्सिको का एक राजनीतिक दल है। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी इसका अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हाट डज रेफरेंडम मींस, व्हाट डज रेफरेंडम मींस, जनमत संग्रह का क्या अर्थ है। व्हाट डज रेफरेंडम मींस, यानी कि जनमत संग्रह का क्या अर्थ है। आंसर है, रेफरेंडम इज द डायरेक्ट वोट इन विच एन इंटायर, इन विच एन इंटायर इलेक्टोरेट इज आस्क्ड टू आइदर एक्सेप्ट, आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए पार्टिकुलर, और रिजेक्ट ए पार्टिकुलर प्रोपोजल। दोबारा सुन लो, रेफरेंडम इज द डायरेक्ट वोट इन विच एन इंटायर इलेक्टोरेट इज asked to either accept or reject a particular proposal, ठीक है। हिंदी में है, जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसके अंदर सभी मतदाताओं को कहा जाता है, या तो वो जो चुनाव में खड़ा है उसको एक्सेप्ट करे या फिर उसको रिजेक्ट करे किसी भी विशेष प्रस्ताव को, किसी भी विशेष प्रस्ताव को या तो वो एक्सेप्ट करे या फिर वो रिजेक्ट करे, यानी कि अस्वीकार करे, ये होता है रेफरेंडम। यानी कि जनमत संग्रह क्या होता है, एक ऐसी चुनाव प्रणाली होती है जिसमें सभी मतदाताओं को किसी विशेष प्रस्ताव के ऊपर या तो वोट उसके पक्ष में दे या फिर उसके
विपक्ष में दे, ठीक है। When did परवेज मुशर्रफ came to power in पाकिस्तान? When did परवेज मुशर्रफ came to power in पाकिस्तान? अगला क्वेश्चन आपका 19, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में सत्ता पे कब काबिज हुआ? सत्ता पे कब काबिज हुआ, यानी कि सत्ता में कब आया? राइट आंसर इज अक्टूबर 1999, अक्टूबर 1999 में वो पाकिस्तान का शासक बना। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई आर क्वालिटी डिसीजन ऑलवेज पॉसिबल इन ए डेमोक्रेसी? व्हाई आर क्वालिटी डिसीजन ऑलवेज पॉसिबल इन ए डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में जो निर्णय लिए जाते हैं वो उनमें संभावनाएं रहती है सही निर्णय की, जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें संभावनाएं रहती हैं सही निर्णय की। तो आंसर है इसका, बिकॉज डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन्स डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। दोबारा सुन लो, बिकॉज डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन्स डिस्कशंस एंड मीटिंग्स, क्योंकि लोकतांत्रिक निर्णयों में हमेशा कई सारे लोग बातचीत, विचार विमर्श व बैठकें शामिल होती हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक निर्णयों में कई सारे लोगों की बातचीत, विचार विमर्श व बैठकें शामिल होती है, इसलिए ही बोला जाता है कि भाई लोकतंत्र का जो निर्णय होता है वो क्वालिटी वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डज मैक्सिको होल्ड इलेक्शन फॉर इलेक्टिंग इट्स प्रेसिडेंट? हिंदी में, कितने सालों के बाद मैक्सिको में राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं? राइट आंसर इज आफ्टर एवरी 6 years, हर छह साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द कंट्री दैट डज नॉट गिव वोटिंग राइट्स टू माइनॉरिटीज। नेम द कंट्री दैट डज नॉट गिव द राइट टू माइनॉरिटी, यानी कि उस देश का नाम बताइए जहां पे अल्पसंख्यकों को वोटिंग का यानी कि चुनाव में मत डालने का अधिकार नहीं मिला हुआ है। राइट आंसर इज इस्टोनिया, मत डालने। क्वेश्चन नंबर 19, बाय होम द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना अपॉइंटेड? चाइना का राष्ट्रपति किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? चीन में जो राष्ट्रपति बनता है उसको नियुक्त कैसे किया जाता है? आंसर है मेंबर्स ऑफ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, मेंबर्स ऑफ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, राष्ट्रीय नेशनल पीपल कांग्रेस नाम की पार्टी के सदस्यों के द्वारा, मेंबर्स ऑफ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा, यानी नेम ए कंट्री विच हैज मल्टी पार्टी सिस्टम, उस राष्ट्र का या उस देश का नाम बताइए जहां पे बहुदलीय प्रणाली है, जहां पे बहुदलीय प्रणाली है। द राइट आंसर इज इंडिया, द राइट आंसर इज इंडिया।
भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम। लॉन्ग क्वेश्चन है आपको 5 मार्क्स का। इलेक्शंस इन चाइना डू नॉट ऑफर पीपल्स अ रियल चॉइस, एक्सप्लेन। यानी कि चीन में जो चुनाव करवाए जाते हैं वहाँ लोगों की असली इच्छा नहीं जाहिर होती, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे विस्तार से। आंसर है इन चाइना इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। चीन के अंदर हर 5 साल के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं देश की संसद को चुनने के लिए। चीन में हर 5 साल के बाद देश की संसद को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। कोल्ड क्वांगो रेनमिन डाइबियो दाहू, इसको चाइनीज में नेम है ये QUANGUO क्वांगो RENMIN रेमनिन DAIBIAO डाइबियो दाहू DAHU शॉर्ट फॉर्म में इसका है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस फुल स्टॉप। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। नेशनल पीपल कांग्रेस के पास वहाँ पे शक्ति है देश के राष्ट्रपति को नियुक्त करने की, देश के राष्ट्रपति को नियुक्त करने की फुल स्टॉप। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवार को जरूरत होती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्वीकृति की, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्वीकृति की जरूरत होती है चुनाव लड़ने से पहले फुल स्टॉप। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और एट स्मॉलर पार्टी अलाइड टू इट वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस हेल्ड इन 2001 and 2003। केवल 5 वही व्यक्ति या 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य हो, या फिर 8 जो छोटी सहयोगी पार्टियां हैं उनका सदस्य हो उसको ही। जो चुनाव हुए थे 2001-03 में भी जब भी चुनाव होते हैं वहाँ पे, तो उसको ही चुनाव लड़ने का अधिकार या इजाजत मिलती है फुल स्टॉप। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। सरकार को हर बार
कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाती है, सरकार को हर बार कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाती है। तो आज हम इतना ही कर